वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि बॉडी लैंग्वेजेस क्या है, वर्बल नॉन वर्बल किस तरह से होता है, और भी टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस क्या है। हमने काइनेसिस और बॉडी लैंग्वेज में पढ़े थे ना, तो उसकी भी आगे टाइप्स हैं काइनेसिस और बॉडी लैंग्वेज की। तो सबसे पहले है पोस्चर। पोस्चर का क्या मतलब है कि आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपकी पूरी बॉडी पार्ट का कितना एट्रैक्टिव है, क्या आपके रेगुलर आपकी एक्सरसाइज है, आप योगा वगैरह करते हो या नहीं करते, कुछ नेचर चेंज है पॉसिबल और नॉट पॉसिबल होता है, आपके पोस्चर कितने बोल्ड आपके पोस्चर्स में कितना ज़्यादा मूवमेंट है, कितना ज़्यादा कम्युनिकेट की वेराइटीज़ आपके मैसेज को करने में गुड है या बैड है, ये सब आ जाएगा पोस्चर में। और आपकी वॉइस कैसी है, इट्स मतलब स्वीट है या थोड़ी रूड वे है, किस तरह से है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके कम्युनिकेशन। अब एक मैन बैठता तो स्ट्रेच होते हैं लेग्स, कई बार पर्सन शिफ्ट करता है एक रिदमिक मोशंस में, इस तरह से जो पोस्चर है, जो उसकी मूवमेंट्स होती है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्टेटस, इंटरेस्ट भी दिखाई देता है, और जो आपका स्टैंड होने का तरीका है वो सबऑर्डिनेट है या नहीं है, और आप भी कैसे स्लंप है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से पोस्चर्स में आपका ये देखा जाता है कि आप किस तरह से मूव कर रहे हो, किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से उठ रहे हो, और आपकी एक्सरसाइज क्या है, रोगा यूटीन क्या है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेस्चर्स। जेस्चर्स में क्या आएगा कि आपके आर्म्स, आपके लेग्स, आपके हैंड टोर्स और आपका हेड मोड्स किस तरह से मूव करता है, आपके मूवमेंट होएगी आपके बॉडी पार्ट्स की, जो आपकी एसेट्स हैं वो रेनफॉर्म है आपके वर्बल मैसेज के लिए, नहीं है, है या नहीं भी है, और जो जेस्चर का है वो मेन रोल होता है कम्युनिकेशन में, वो आप सब आपके जो आपके जेस्चर्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपकी स्पीच को या नहीं कर रहे, या फिर आपके जो कम्युनिकेशन है वो आगे जा रही है और आपके जेस्चर्स पीछे जा रहे हैं, इस तरह से, जैसे कि एम्फोसाइज हो गया, पॉइंट हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिस्क्राइब, ये सारे आपके आर्म पोस्चर्स हो गए। और जब क्लैपिंग है, आप क्लैपिंग किस तरह से करते हो, लाउड करते हो, धीरे करते हो, इस तरीके से। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है कि आप फेस को किस तरह से, आपका ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेस एक्सप्रेशन, क्योंकि आपके फेस को देख के ही पीपल जज करेंगे, आपके जो हेड होगा वो जज करेगा कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो अपनी प्रेजेंटेशन को लेके और कितने नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या आएगा कि जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप एंगर हो, सैड हो, सैडनेस है, या फिर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, पजल तो नहीं दिख रहे, सरप्राइज तो लग रहे, डिसएग्री तो लग रहे, आपके आपका स्पीकर्स कैसे, आपके अदर रिएक्शंस, जो आपके सारे रिएक्शंस देखे जाएंगे और उसमें इंटरप्ट करोगे कैसे क्या है, इस तरह से, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप सरप्राइज हो, हैप्पी हो, फियर है, डर है, इस तरह से, स्माइली फेस है या नहीं है, इमोशंस कैसे हैं, यूनिवर्सली फेयर हो या नहीं हो, इस तरीके से सब। ठीक है, उसे बताते हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में क्या आएगा कि आप किस तरीके से आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, किस तरह से नहीं बना रहे हो, आप पर्सन की आई में देख रहे हो, या फिर आप मतलब ऑडियंस से अपना कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, ये सब दिखाई देता है, और कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लुक फील कर रहे हो, आपके अंदर कोई है तो नहीं, अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट रखोगे तो उससे आपकी रियल कम्युनिकेशन बाहर आएगी, वो रियल कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। और जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, जॉब इंटरव्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, उनमें काफ़ी अलग जोन का ही कॉन्टैक्ट होता है। क्यों, आप पहले तो प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आप प्रोजेक्टर पे भी देखोगे, वैसे भी देखोगे, इस तरीके से सब तरीके से देखोगे, तो ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ किस फील्ड में और किस तरीके किस चीज़ के लिए बोल रहे हो। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि जो आप आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो वो ऑनेस्टी का है या झूठ मूठ है। एक तो होता है कि कई पीपल फेक भी कर देते हैं, आपको जैसे पता ही होगा कई पीपल फेक कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बोल्डली कॉन्टैक्ट। बोल्डली कैसे कॉन्टैक्ट होता है ये देखिए। बोल्डिंग मतलब हिटिंग, पुशिंग, होल्डिंग, स्ट्राइकिंग, शेकिंग हैंड्स, एम्बेरसिंग, टचिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि आप किस तरह से, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी कम्युनिकेशन अप्रिशिएट होगी, अफेक्शनेट होगी, प्लेफुल है तो आपकी कम्युनिकेशन ह्यूमर होगी और प्लेफुलनेस होगी, कंट्रोल है तो आपका अटेंशन बना रहेगा,
और अगर सेटिस्फाइड है तो आपके जैसे कि ग्रीटिंग हो गया, डिपार्चर हो गया, कैसे आप नमस्ते कर रहे हो, कैसे आप किसी को जाने के लिए कैसे बाय बोल रहे हो, इस तरह से कोई टास्क रिलेटेड हो गया तो आपका नेचर देखा जाएगा कि आप टीचर साथ कितना पोलाइट हो, आपका कैसा मतलब एटीट्यूड है टीचर के साथ, आपके ग्रुपमेट के साथ अगर कोई टास्क पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप मतलब किस तरह से कर रहे हो, ये सब आ जाएगा। फिर उसके बाद है टास्क अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है, आपकी क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, पोस्चर, स्टैचू, ये सब आ जाएगा। आपकी एज, आपकी नेशनलिटी, सोशल इकोनॉमिक लेवल, जॉब स्टेटस, पुअर, गुड, जजमेंट, डिपार्टमेंटिंग, आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है सेल्स की, सोशल गैदरिंग की, ये सब आ जाएगा फिर उसमें। फिर है रूम साइज, लोकेशन, फर्निशिंग, ये सब, आर्किटेक्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है साइलेंस। साइलेंस में क्या है, मतलब अगर हम परेशान हो जाते हैं तो हम प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, तो हम चुप पड़ जाते हैं, और जिसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रेजेंटेशन स्किल पर, हमारे नॉन वर्बल मैसेजेस पर, तो हमें देखना होता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। देखिए ये है, दे कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। मतलब जो फॉर एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि जो रिलायबल इंडिकेटर होते हैं वो समवन को लाइक्स करते हैं, लाइक्स यू और नॉट लाइक्स यू। दे कैन बी यूज टू रेगुलर इंटरेक्शन, रोज के इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। आप कैसे इंप्रेस कर सकते हो अपने इंटीमेसी को, हाउ कैन यू। फिर है एस्टेब्लिश डोमिनेंट और कंट्रोल, आप कैसे कंट्रोल करते हो, मतलब नॉन वर्बल थ्रेट्स आ जाएंगे इसमें। फिर है दे कैन बी यूज टू फैसिलेट गोल अटेनमेंट्स, मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब आ जाएगा। फिर है आपके सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, रिवील्स अ वर्किंग ऑफ इमोशंस। आपका जो आपके जो कैसे आपके इमोशन रिवील होते हैं, आपके आर्म से, आपके फिंगर से, आपके रिंकल्स के फोरहेड से, आपके स्टैंड से, स्माइल से, इस तरह से, टाई कर ले तो आपका कोट, सो ऑन, किसी भी तरीके से, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर, आपके फिजिकल अपीयरेंस, ये सब, ठीक है। कि आप कितने ज़्यादा सरप्राइज्ड हो, आप एग्जांपल खुश हो नहीं हो, ये सब आ जाएगा आपका। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, जो आप बॉडी लैंग्वेज आपकी, वो आपकी प्रेजेंट, आपको आप आपकी प्रेजेंट के साथ साथ आपको भी प्रेजेंट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट लुक फील कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे, आप कैपेबल हो या नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कितना नहीं। जब जैसे आप स्टेज पे आओगे, आपको जैसे आपको एक मिनट में, आपको एक सेकंड के अंदर वो जज कर लेंगे। क्यों, आपकी स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आप वहीं पर देखे जाते हो कि आप कितने कैपेबल हो, कितने नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, सिग्निफिकेंस रिवील्स द स्टेटस, आपका स्टेटस रिवील कर देता है। फिर है रिप्लेसेस अ वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उनको भी रिप्लेस कर देता है, आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। फिर है सस्टेन वर्बल कन्वर्जेशन, आपकी जो वर्बल कन्वर्जेशन है उसको भी वो कर देता है, ठीक है। उसके बाद है, फिर है रिवील अ पर्सन एटीट्यूड और ट्रेट्स, एक पर्सन के एटीट्यूड को, ट्रेट को भी रिवील करता है कि वो कितना, उसके अंदर एटीट्यूड है, क्या ट्रेट्स हैं उसके, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं। फिर वो रिवील करता है ट्रुथ, रिवील्स द ट्रुथ, आपकी हर एक चीज़ को, आपकी आइडेंटिटी को, आपके झूठ मूठ को, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब सच बता देती है। फिर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मतलब आपकी को, आपको कॉन्शियसली रीड कर सकती है कि आप कितने कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है प्रोक्सिमिस और स्पेस लैंग्वेज और टाइम लैंग्वेज, ये आपके अभी अभी टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा भी हुआ है नीचे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज और प्रोक्सिमिसिस, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत था, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो ये बॉडी लैंग्वेज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकते चांसेस हैं, तो अच्छे से कवर कर लें। और जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी, जैसे कि ये आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर आ रही है, जो ये टाइप्स थी, ये सारी टाइप्स, ये इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से कि इनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको आपके शो करती हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।